चक्रधारी क्लासेस के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डेली करेंट अफेयर में 27 और 28 जुलाई के करेंट अफेयर को देखने वाले हैं। इसमें हमने छत्तीसगढ़, भारत और इंटरनेशनल इन सभी करेंट अफेयर को शामिल किया है। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा पहला प्रश्न है, बोतल धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दिए गए ऑप्शन हैं रायगढ़, गरियाबंद, कवर्धा, बिलासपुर। तो बोतल धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोदगोदा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायगढ़, गरियाबंद, कवर्धा, बिलासपुर। तो गोदगोदा जलप्रपात कवर्धा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजमार पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायगढ़, गरियाबंद, कवर्धा, बिलासपुर। तो गजमार पहाड़ जो है रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशु सिंह किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन है रायगढ़, गरियाबंद, कवर्धा, लास्ट ऑप्शन है बिलासपुर। तो निशु सिंह बिलासपुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरेली तिहार के अवसर पर किस ग्राम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गौमूत्र खरीदी का शुभारंभ करेंगे? सिवनी ग्राम कुरुद ब्लॉक से, आरंग ब्लॉक के कोलियारी ग्राम से, गुंडरदेही ब्लॉक के रावना ग्राम से, या पाटन ब्लॉक के करसा ग्राम से? तो इसका सही आंसर है पाटन ब्लॉक के करसा ग्राम से, ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? 17वें नंबर पर, 18वें नंबर पर, 19वें नंबर पर, या फिर 20वें नंबर पर? तो छत्तीसगढ़ का स्थान खाद्य सुरक्षा लागू करने में 19वें स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, 33वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के छात्र कौन हैं? ऑप्शन है पाखी दुबे रायपुर, रोहित पंडा भिलाई, सुभी शर्मा बिलासपुर, सांभवी शर्मा रायपुर। 33वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में रजत पदक प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ के छात्र रोहित पंडा, जो कि भिलाई से संबंधित हैं, वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोलने की योजना है? ऑप्शन है 500, 1000, 1500 या फिर 2000। इसका सही आंसर है 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र। इसका डिटेल देखते हैं, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां क्षेत्रीय परिवहन सुविधा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य आसानी से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों से छत्तीसगढ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, परिवहन संबंधी काम के लिए आरटीओ कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रियों में वेतन व भत्ते में वर्तमान वृद्धि में कौन सही हैं? ऑप्शन है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री और संसदीय सचिव। तो इन सभी में सिर्फ मुख्यमंत्री का वेतन व भत्ता सम्मिलित है। मुख्यमंत्री का वेतन 1.35 लाख से बढ़कर 2.05 लाख प्रति माह हो गया है। इन सभी के वेतन वृद्धि को एक बार देख लेते हैं। अध्यक्ष का वेतन 1.32 लाख से बढ़कर 1.95 लाख प्रति माह हुआ है। उपाध्यक्ष का 1.28 लाख से बढ़कर 1.80 लाख प्रति माह। मुख्यमंत्री का 1.35 लाख से बढ़कर 2.05 लाख प्रतिमाह। नेता प्रतिपक्ष का 1.30 लाख से बढ़कर 1.90 लाख प्रतिमाह। मंत्री 1.30 लाख से बढ़कर 1.90 लाख प्रतिमाह। संसदीय सचिव 1.21 लाख से बढ़कर 1.07 लाख प्रतिमाह। विधायक का 1,10,000 से बढ़कर
160,000 प्रति माह हुआ है। इसको हमने नहीं लिख पाया है, फिर भी आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष और मंत्री दोनों का वेतन समान है। अगला प्रश्न में चलते हैं। बुस्तानिका नामक विश्व का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म कहाँ खुला है? ऑप्शन है बांग्लादेश, दुबई, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर चीन। तो वर्टिकल फार्म जो है दुबई में खुला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार ने, छत्तीसगढ़ ने, आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने या फिर बिहार ने। तो फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा है। नेक्स्ट है, किस सुपरस्टार को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा दिया गया है? ऑप्शन है कमल हसन, अभिषेक बच्चन, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण। इसका सही आंसर है कमल हसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 5 रामसर स्थलों में वृद्धि के बाद अब कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 53, 54, 55 या फिर 56। तो इसका सही आंसर है 54 रामसर स्थल 5 स्थलों की वृद्धि के बाद हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। रामसर स्थल भारत में इससे पहले 49 थे, 5 की वृद्धि के बाद अब 54 हो गए हैं। ये 5 जो अभी वृद्धि में हुए हैं, तमिलनाडु में 3 जो कि हैं करिकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व वन, तीसरा पीचवरम मैंग्रोव वन, ये तीनों तमिलनाडु में है। एक है पाला आर्द्रभूमि जो कि मिजोरम में है, और एक और रामसर है सांख्य सागर आर्द्रभूमि जो कि मध्य प्रदेश में है। इन 5 को हाल ही में जोड़ा गया है, जिससे संख्या अब 54 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं। 2025 का ICC महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है भारत करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर या फिर भुवनेश्वर। पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन मुंबई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली या फिर मुंबई। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार ने बच्चों, महिलाओं और छात्रों के लिए यह व्यवस्था लागू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपरलूप विकसित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस IIT के साथ समझौता किया है? IIT मद्रास, मुंबई, दिल्ली, गांधीनगर या फिर हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है IIT मद्रास के साथ हाइपरलूप ट्रेन विकसित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपके लिए होमवर्क है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 जुलाई, 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 या फिर 28। आपको आंसर हमें कमेंट करने हैं। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति एक शुरू किया गया है, वो किस देश के साथ, किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। आप इन दोनों को आंसर हमें कमेंट में देके बताएं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कहीं कोई डाउट आया हो या अन्य किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।